तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मोहटान आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ लाए हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज का टॉपिक है पिन कोड क्या है। जी हाँ, पिन कोड का उपयोग सभी लोगों ने किया होगा, चाहे डाकघर में चिट्ठी भेजते समय, चाहे किसी भी रूप में पिन कोड का उपयोग आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने ये कभी सोचा, ये कभी आप लोग के दिमाग में आया होगा, ज़रूर आया होगा कि पिन कोड आखिर है क्या चीज़, किसने बनाया पिन कोड, ये पिन कोड नाम की बीमारी है कौन सी चीज़ जो किसने बना दी है और कब बनाई, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों से जाके पूछोगे कि पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बने रहना पूरे वीडियो में, कहीं मत जाना, स्किप मत करना, क्योंकि जानकारी पूरी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पिन कोड के बारे में कौन नहीं जानता, आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन पिन कोड का उपयोग जरूर किया होगा। प्ले स्कूल का फॉर्म भरने से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक हर दस्तावेज में पिन कोड का उल्लेख करना ही पड़ता है। सवाल यह है कि पिन कोड नाम की चीज़ है क्या, पिन कोड नाम की चीज़ है क्या, इस चिड़िया में ऐसा क्या है जो हर डाल पर बैठी दिखती है, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया, पिन कोड या जिप कोड में चयन क्यों होते हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते, पिन कोड या जिप कोड में 6 अंक क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 6 ही क्यों होते हैं आखिर। चलिए जानते हैं पिन कोड और जिप कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। पता है आपको, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ पिन कोड और जिप कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। पिन कोड या जिप कोड का उपयोग सभी करते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। हालांकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहता है, लेकिन याद होना चाहिए कि पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और जिप कोड का फुल फॉर्म होता है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। पिन कोड को किसने बनाया और कब बनाया, भाई किसने बनाया था और कब बनाया था पिन कोड, ये भी तो जानेंगे हम लोग। तो चलिए जानते हैं ये भी, लेकिन चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाना, ठीक है ना। भारत में पिन कोड का श्रेय श्री राम बीकाजी बेलनकर को जाता है। किसको जाता है, श्री राम बीकाजी बेलनकर को जाता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 से हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 से, याद है ना, याद रहेगा। भारतीय डाक विभाग पिन कोड नंबर के आधार पर देश में डाक वितरण का कार्य करता है, जिसे जिप कोड भी कहा जाता है। इसमें 6 अंक या 6 डिजिट होते हैं। हर अंक का अपना एक अलग महत्व होता है, हर अंक का अलग अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि 6 लिख दिए बस काम खत्म, हर एक अंक का अपना एक अलग महत्व है। अब समझते हैं पिन कोड के 6 अंकों का क्या अर्थ है, कौन कौन सा महत्व होता है और इनका अर्थ क्या है। पिन कोड के 6 अंकों में प्रत्येक अंक अपना अलग अलग महत्व होता है। पहला अंक भौगोलिक दशा को दर्शाता है। इसमें देश के कुल 9 भौगोलिक भागों को बांटा गया है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक भौगोलिक क्षेत्र हैं तथा संख्या 9 सेना की डाक सेवा को दी गई है। तो इस प्रकार पिन कोड की पहली संख्या क्षेत्र, दूसरी संख्या उपक्षेत्र और तीसरी संख्या जिले को दर्शाती है, जबकि आखिरी 3 संख्या जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती हैं। जो मेन डाकघर होते हैं बड़े बड़े, उनको दर्शाती हैं, ठीक है, आखिरी 3 संख्याएं।
अब आइए आगे हम लोग समझेंगे पिन कोड का पैटर्न कितनी बार बदला गया, कितनी बार पिन कोड को बदला गया। सबसे मजेदार बात तो यह है कि पिछले 1000 सालों में, थोड़ा गलती हो गया उस पर ध्यान मत देना, जबकि वाहनों के नंबर, टेलीफोन नंबर, घर, मोहल्ले, कॉलोनियों के नंबर, यहाँ तक कि भारतीय मुद्रा के नोट के नंबर तक बदल दिए गए, लेकिन डाक विभाग का पिन कोड कभी नहीं बदला गया। नए नए साल डाकघर, मोहल्ले और कॉलोनी यह बनते चले गए। पिन कोड आज भी 6 अंक का ही है, 7 अंक का नहीं हुआ। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। मिलता हूँ अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिएगा।